मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बढ़िया होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने घर पे। तो आप लोगों के साथ मैं एक चीज डिस्कस करने वाला हूं, मैं बेसिकली वो है मार्केट एनालिसिस फॉर टुमारो, कि सर कल मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, हम जल्दी से इस वीडियो को रैप अप करेंगे और जो रैप अप पोजिशन रहेंगी हमारी वन डे टाइम फ्रेम पे रहेंगी, राइट। सबसे पहले मेरे पास में आज कुछ स्टॉक्स भी हैं और प्लस कुछ अच्छे लेवल्स भी जो आप लोगों के लिए काम में आएंगे। बैंक निफ्टी अगर ये लेवल देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने इस लेवल पे अभी तक सपोर्ट नहीं लिया, नंबर वन। नंबर टू, 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप बैंक निफ्टी को तुम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास में बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट लेवल है जहाँ से बैंक निफ्टी ने बहुत बारी से रिजेक्शन दिया और जो कि ये वाला लेवल है, राइट। इसने ब्रेकआउट दिया बट ये सस्टेन नहीं कर पाया इस ब्रेकआउट पे, राइट। तो आप देखेंगे तो लगभग यहीं से बहुत प्यारे प्यारे टचेस मिले, बट इससे पहले मार्केट में अब काफी लोग ये बोलेंगे सर दिस इज अ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि मार्केट यहाँ से कभी भी पलट सकता है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट इस लेवल से सपोर्ट पे है। अब यहाँ सपोर्ट आने का एक और रीजन है क्योंकि मार्केट ने एक तरीके से, ये काफी लोग यहाँ ये भी बोल रहे हैं कि सर दिस इज अ हेड एंड शोल्डर, सॉरी इज अ डबल बॉटम पैटर्न, नो डाउट। अगर ये डबल बॉटम है गाइस तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट जोन आपके लिए बनेगा जहां से मार्केट ने एक रिटेस्ट देकर के नीचे आया था। तो आपके पास में अगर ये सक्सेसफुल पैटर्न है तो आपको कम से कम ये इस लेवल तक तो वापस जाना ही पड़ेगा, सॉरी इस पैटर्न आपको इस जगह तक तो वापस जाना ही पड़ेगा मार्केट को। मतलब अगर मार्केट के अंदर में ये लेवल्स मान लेते हैं लोअर लोज है, राइट। आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर कोई भी चीज लोअर लोज में चल रही होती है जब तक उसे अप ट्रेंड में नहीं माना जाता या डाउन ट्रेंड में नहीं माना, मतलब कंटिन्यू नहीं माना जाता जब तक वो अपना लो ना तोड़ करके नीचे जाओ, राइट, नंबर वन। नंबर टू, वो अपना लास्ट प्रीवियस हाई को तोड़ करके हायर हाइज ना बनाए, नंबर टू। तो जब तक हम इसके अंदर में ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि मार्केट अप ट्रेंड में है, स्टिल वी आर द बेरिश। सी, मार्केट में आया ये लेवल लोअर लोस एंड देन हाई, लास्ट लो से रिजेक्ट हो गया मार्केट, डबल ना ऊपर गया ना नीचे, तो आप इसे कंसोलिडेशन फॉर्म में बिल्कुल बिल्कुल जज कर सकते हैं, बट ना ही डाउन ट्रेंड में ना ही अप ट्रेंड में। अगर इसने नीचे का लो तोड़ा तो वी आर कंटिन्यू दिस बेयरिश ट्रेंड, और अगर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ करके ये लेवल तोड़ता है तो फिर हम इसके ऊपर कह सकते हैं अप ट्रेंड। Until and unless हम इसी रेंज में एक बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, टारगेट अल्टीमेटली जैसे मैंने आपको पैटर्न सिखाया था एक, जब कभी भी मार्केट के अंदर में एक फेक ब्रेकआउट मिले और अंदर रीटेस्ट मिले तो आप यहाँ का टारगेट रख सकते हो, फेक ब्रेकआउट मिले अंदर का रीटेस्ट मिल सकता है, इस तरीके से मोमेंटम मिल सकता है। बट हम एक बड़े टारगेट्स और छोटे टारगेट्स के लिए हम नहीं बता सकते। हाँ, हम इस वे में एक स्केल्पिंग पोजिशन देख सकते हैं एटलीस्ट 50-60 पॉइंट से इजिली, ठीक है, ऑप्शन में नहीं, फ्यूचर वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। तो आपको मैं यही बोलूंगा, काफी लोग यहाँ आपका एनालिसिस आपने देखा होगा कि सर मेरे हिसाब से मार्केट क्वाइट बी अ डबल बॉटम लाइक दिस, नो डाउट आप लोग सही हैं, ऐसी बात गलत नहीं। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया या ओपनिंग इसके नीचे हुआ तो ये पैटर्न खराब हो जाएगा। आई रिपीटेडली टेल यू दैट कि मार्केट अगर 18,000 के नीचे क्लोज होता है तो कहीं ना कहीं आपको 17,500-17,600 तक मार्केट गिरता हुआ दिख सकता है। बिकॉज जैसे कि मैंने इंडेक्स पढ़ा है, अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ, निफ्टी आईटी की बात करूँ, पहली नंबर वन निफ्टी आईटी आपके लिए चार घंटे में, निफ्टी आईटी की बात करूँ तो निफ्टी आईटी के लिए अल्टीमेट सपोर्ट कहीं और नहीं है गाइस। निफ्टी आईटी ने अपना ये लेवल टच किया हुआ है और इसी लेवल तक टच करेगा लगभग, अगर मैं मान के चलूं तो मेरे पास में निफ्टी आईटी के लिए अप्रोक्सीमेटली 1% का डाउनफॉल हो। अगर ये 1% का डाउनफॉल है तो किसी भी एक परसेंट भी गारंटी शायद नहीं दे सकता हूं मैं कि निफ्टी के अंदर में कहीं से भी बुलिश मोमेंटम देख सकता हूं, नंबर वन। नंबर टू, इसने अपना गैप फिलिंग किया तो हो सकता है कि पुल बैक मिला, जो कि ये मिला, और फिर ये डाउन साइड की मोमेंटम आ चुका है। नंबर थ्री, अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन ओपन करेंगे ना तो ये ट्रेंड लाइन भी कहीं ना कहीं यही सपोर्ट मिलेगी, तो हम यहाँ से बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। अदरवाइज अगला जो एक इंपॉर्टेंट बैंकिंग, सबसे लास्ट में आऊंगा मैं, निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो निफ्टी मेटल के अंदर में जो अभी तक का मतलब मोमेंटम स्टॉक रहे हैं, अगर मैं निफ्टी मेटल्स की बात करूं तो आप लोगों के लिए निफ्टी मेटल जो है वो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन फेस करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, आपके लिए ये ट्रेंड लाइन फेस करेंगे तो अगर मैं बात करूं कि मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से भी रिटेस्ट देता है तो बाकी मैं आपको चीज बता देता हूँ, मार्केट कभी भी सीधा रिटेस्ट नहीं देता है, वो हमेशा जोन पे रिटेस्ट देता है। तो लगभग लगभग ये जोन रहेगा
कि मार्केट कम से कम 1% यहाँ भी करेक्ट हो सकता हो। अगर ये करेक्शन मिलेगा तो निफ्टी में तो किसी भी हालत में 18,000 टच करे बिना तो शायद मार्केट शायद ऊपर जाए, अभी मेरा अपॉर्चुनिटी ये है। रही बात जो नेक्स्ट स्टॉक है जो आपको निफ्टी फार्मा, जो कि आपको यहाँ से निफ्टी फार्मा आपको गेन दे सकता है नहीं वो भी देख लेते हैं। निफ्टी फार्मा की बात करें तो निफ्टी फार्मा ने बहुत ही प्यारा एक रीटेस्ट फॉर्मेशन दिया इस ट्रेंड लाइन पे और ये ब्रेक नहीं करता। अगर ये ब्रेक कर देता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग आर ट्रेड इज 13,600 वेरी इजीली इन द एसजीएक्स, सॉरी निफ्टी फार्मा, ठीक है। बट मार्केट का कल का ओपनिंग कहाँ मिलता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनेगा इन सभी सेक्टर के लिए, क्योंकि मार्केट ये बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है। आप देखेंगे बहुत प्यारे प्यार से रिटेस्ट दिया है बाहर की, बट अंदर आके रिटेस्ट बहुत टाइम पे दिए, तो ये एक मेजर सपोर्ट रह सकता है। अगर ये मेजर सपोर्ट तोड़ता है तो फिर हम बहुत मुश्किल है कि मार्केट इसमें 400 पॉइंट और डाउन साइड की मोमेंटम दे सकता है, बिकॉज ऑफ फार्मा के पास में जो डिमांड्स हैं वो बहुत हाई है, सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है, तो उन डिमांड्स को मीट नहीं कर पा रहा है, और अगर मीट नहीं करेगा तो फिर कहीं ना कहीं आपको यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये तो था मेजर स्टॉक जो कहते हैं डाउन ट्रेंड में मिल सकते हैं, जो अप ट्रेंड के मार्केट है। जैसे कि अब निफ्टी एनर्जी को भी देख लेते हैं, एनर्जी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे उसके अंदर और ऑटो भी है। अगर निफ्टी एनर्जी की बात करें तो निफ्टी एनर्जी का चार्ट फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम में सबसे बेस्ट है मेरे लिए। वाई? क्योंकि अगर इस कैंडल को आप देखेंगे ना, दैट इज अ डार्क क्लाउड कवर। अगर ये डार्क क्लाउड कवर है तो एटलीस्ट डार्क क्लाउड कवर के अंदर में हो सकता है कि डबल टॉप बना करके करेक्शन दे, क्योंकि जब कभी भी एनर्जी सेक्टर में इस तरीके की मोमेंटम आई है तो या तो वो स्लो डाउन हो गया है, या तो वो कहते कंटिन्यू करने के लिए हाई तोड़ता है, और या तो वो सीधा का सीधा ब्लड सेल करेगा कम से कम 21,000 तक। बट ये कहना अभी के लिए थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज एनर्जी सेक्टर सबसे पैनिक और सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर ही निफ्टी को बूम करके बैठे हुए हैं। अदरवाइज कोई और सेक्टर जैसे टाटा पावर, अडानी पावर, लाइक आपका IEX, काफी स्टॉक्स हैं जो कि आपको यहाँ एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम में मिल सकते हैं, जो आपको एक अप ट्रेंड दे सकते हैं। बट अगर मैं डेली टाइम फ्रेम देखूँ तो लगभग निफ्टी की तरह ही चलता हुआ स्टॉक मतलब इंडेक्स, तो ये रिटेल दे रहा है। अगर इसके नीचे गलती से भी अगर इसके नीचे आ जाता है तो ये स्टॉक कम से कम 26 मतलब ये इंडेक्स आपको 2200 तक स्प्लिट होता हुआ देख सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट इज राइट नाउ इन द करेक्शन फॉर्म। अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो हमेशा अप ट्रेंड सोचो, डाउन साइड मोमेंटम सोचने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है भाई, ठीक है ना, राइट, कभी मोमेंटम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं हमारे फेवरेट स्टॉक जिसमें बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी आजकल मूड में है आराम से, बहुत ही आराम से भाई 500-600 पॉइंट मोमेंटम यूं ही हंसते हंसते काट देता है, राइट। बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने बहुत ही इंडिसाइडिव कैंडल बनाई है, और जब भी इस तरह की कैंडल दिखी है भाई तो अगला दिन मार्केट में गैप अप खुल करके बहुत डाउन बेरिश मोमेंटम देता है, जिसकी आप इस कैंडल को भी देख सकते हैं। अब अगर आप एवरी हाई पे आप ध्यान से देखिए, एवरी हाई पे जब भी बैंक निफ्टी गए ऐसी कैंडल जब भी बनाई तो उसके अगले 2-3 दिन का जो मोमेंटम है ना भाई, मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रांगली बेरिश आ जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक कैंडल ये रहा, एक कैंडल ये रहा, अभी ये कैंडल अभी बनी नहीं, कैंडल बनेगी सर बोलेंगे सर बेरिश एंगल थे, नो आई एम नॉट गोइंग द बेरिश एंगल थे, आई विल टेल यू द कैंडल नेम आल्सो, दैट इज अ शूटिंग स्टार, ऑलमोस्ट अ शूटिंग स्टार। अगर ये रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, जो कि शायद पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी 1% मान लेते अगर क्लोज होती है कल रेड में मार्केट, तो फिर आपको कहीं ना कहीं मार्केट 38,000 तक करेक्शन होता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी में फर्स्ट करेक्शन। बट आई हैव अ वन न्यूज फॉर यू जिसमें शायद आप लोग को PSE देखो, ये देखो मार्केट एवरी हाई के ऊपर जाने के बाद में ऐसी मोमेंटम कैंडल्स क्रिएट करता है, और एक स्विंग के बाद आई एम टॉकिंग द स्विंग मार्केट, राइट। अब स्विंग को आप देखो, जब भी मार्केट डाउन होता है तो भी ऐसी कैंडल्स बनाता है, एवरी स्विंग के ऊपर मार्केट आपको ऐसी ही कैंडल्स दिखेगी जहां से मार्केट में एक रुख बदला है पूरा मार्केट का कि ऑलमोस्ट बेरिश मोमेंटम एटलीस्ट 4-5 पॉइंट्स। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कल मार्केट में जो होगा वो देखा जाएगा, इट्स डिफरेंट थिंग, बट हाँ एक बड़ी मोमेंटम के बाद में जो एक रुकावट मिलती है ना मार्केट में, वो एक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जज करना। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि कल का मार्केट अगर गैप अप खुलता है और डे के प्रीवियस डे के लो के नीचे अगर आता है 1-2 आवर की कैंडल क्लोज होता है, तो आपको कल पूरा मार्केट हो सकता है 39,500 भी पूरा करते, मतलब ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट गिरने का भी मोमेंटम हो सकता है।
अगर यही कैंडल ऊपर क्लोज होती है, अगर इसी रेंज में चलता है मार्केट, तो भाई पूरा साइड में रहेगा थोड़े दिन के लिए। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, निफ्टी प्राइवेट बैंक का आप चार्ट देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। अभी निफ्टी प्राइवेट बैंक का जो चार्ट है ना भाई, बहुत ही बढ़िया चार्ट है, बहुत ही अट्रैक्टिव चार्ट है। अगर मैं सही बोलूँ तो बहुत ही अट्रैक्टिव चार्ट है। अगर इस चार्ट को तुम ध्यान से देखो ना, इस चार्ट को अगर तुम आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये चार्ट एक अच्छे खासे सपोर्ट के पास में। तो अगर मैं कहूँ इस चीज को लेते हुए, तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड अभी भी स्टिल बाकी है, एटलीस्ट 45,000-46,000 के लिए, अप्रोक्सीमेटली 22,000 के नियर बाय, अप्रोक्स अप टू अप्रोक्स ये मान के चलो 600 पॉइंट्स बाकी है अभी, राइट। बट 600 पॉइंट्स के लिए मार्केट अप ट्रेंड में भी है, तो बेरिश नहीं सोच सकते बिल्कुल भी। इसलिए मार्केट की मैं हमेशा बोलता हूँ ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, कहाँ ओपनिंग हो रही है, राइट। और मैं निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करूँ, ये तो बहुत ही अट्रैक्टिव, मेरे को जो पर्सनली बोलूँ सबसे अट्रैक्टिव ही लग रहा है, राइट। पीएसयू अगर मैं बात करूँ तो पीएसयू बैंक अभी तक अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचा। और अगर अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचा तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बता देता हूँ, जो एक ट्रेंड लाइन आप लोगों के लिए सबसे सबसे बेटर रहेगी वीकली टाइम फ्रेम कैंडल पे, जब भी आप इंडेक्स कर रहे हैं तो। क्योंकि इंडेक्स अगर कर रहे हैं तो मार्केट के अंदर में ये इंडेक्स मैनेजमेंट आपको आना बहुत जरूरी है। इट्स काइंड ऑफ गुड ब्रेकआउट इन द वीकली टाइम फ्रेम कैंडल, बट अभी तक सिर्फ इसमें एक ही प्रॉब्लम है जो कि काफी लोग नहीं देख पा रहे, दैट इज अ परफेक्ट रीटेस्ट। और ये रीटेस्ट के लिए हम कह सकते हैं देयर इज अ सम करेक्शन। नंबर 3, बैंकिंग में लॉन्ग जाने का। अभी हाल ही में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको एक न्यूज पता चली होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्स वाई जेड अमाउंट पीएसयू बैंक्स में इंजेक्ट करेगा। क्यों करेगा? अगर इन केस अगर आपकी लाइफ में अगर आपका कोई भी बैंक जिसमें आपने पैसा डाल रखा है अगर वो बैंकक्रप्ट हो जाता है या कोई भी चीज होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली आपको फंड देगा। आप लोगों ने ये चीज नहीं पढ़ी, बट ये चीज मैंने पढ़ी। अब इसको पढ़ने के बाद में हर एक पीएसयू बैंक को तुम उठा के देखो, उन पीएसयू बैंक के अंदर में जो मोमेंटम आपको उस न्यूज के बाद दिखी है, सीधा मोमेंटम बैंक ऑफ बड़ौदा ऑल्सो विद पीएसयू बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में इतनी अच्छी मोमेंटम है, फेड बैंक इस सारे बैंक से आप इसकी मोमेंटम देखो। ये है क्या सोना थोड़ी बना रही है कि मतलब ये सारे पीएसयू बैंक ऊपर जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? देयर इज अ सिंपल रीजन जो मैंने आपको भी बता दिया, राइट। बट ये आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनमें इतनी मोमेंटम नहीं जितनी पीएसयू बैंक, एसबीआई ऑल्सो बी देयर, एसबीआई द जायंट शेयर, एसबीआई मोमेंटम देखो। तो सर क्या हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं बैंक निफ्टी नीचे आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एक थोड़े लॉन्ग टर्म व्यू में देखो तो बैंक निफ्टी का मोमेंटम कम, जो निफ्टी को शायद 20,000 की भी राइट दे सकता है आपसे, राइट। तो कल के लिए मार्केट का मोमेंटम है एक ओपनिंग। और इंडेक्स मैनेजमेंट की बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर विल बी स्ट्रांग और बाकी सेक्टर थोड़े वीक हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक बैंकिंग सेक्टर में मेरे को करेक्शन थोड़ा सा भी नहीं लगता है कि हो भी सकता है, बट फिर भी दैट इज अ बैंकिंग सेक्टर। अभी बैंकिंग के रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे, उसके बाद पता चलेगा। अब जल्दी से हम कुछ स्टॉक्स ले लेते हैं, राइट। आई हैव सम स्टॉक्स फॉर यू, राइट। फर्स्ट इज अ कोटक महिंद्रा बैंक, राइट। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक का डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट मिल चुका है। इफ यू वांट टू बी गो इन दिस कोटक महिंद्रा बैंक तो आप बाय कर सकते हो। इस कैंडल के एक इनिशिएट कैंडल्स, आई विल टेल यू वन सिंपल थिंग, अगर मार्केट कभी भी लाइफ में इस तरीके की कैंडल्स बनाने की कोशिश करता है एकदम हाई पे जाने के बाद में, तो एक कंसोलिडेशन फेज में मिल सकता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक में इस कंसोलिडेशन फेज के बाद बाय करें आप, राइट। ग्राजिम की बात करें तो ग्राजिम ने इसी लेवल से टच मिलके ब्रेकआउट दिया, बट कोई फायदा नहीं मिल पाया। अगर मैं सेम एग्जैक्ट इस हाई के बाद आप बाय करें, अदरवाइज आप थोड़ी देर के लिए वेट कर सकते। अगला है रैन होल्डिंग मेरे पर्सनल होल्डिंग में पड़ा हुआ है, राइट। मेरा पर्सनल है, मेरी पर्सनल होल्डिंग में रखा हुआ है। अभी क्या है कि रैन होल्डिंग का मेरा टारगेट 740 का है, मैं इसे पहले नहीं निकाल रहा हूँ, राइट। मार्केट अभी एक बेस क्रिएट कर चुका है, इसको एक ब्रेकआउट की जरूरत है। ब्रेकआउट होते ही रैन होल्डिंग ऊपर जाएगा, लगभग 1-2 महीना लग सकता है, राइट। अगला सेक्टर है मेरे पास में आदित्य बिरला फैशन रिटेल।
आदित्य बिरला फैशन रिटेल की बात की जाए तो जैसे कि उसने ऊपर से एक लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है, वो लगभग 230 पे दोबारा आ सकता है, तो आप इसको थोड़ा देख के चल सकते हैं। अगला शेयर है मेरे पास में ओरिएंटल ओरिएंट पेपर, ओरिएंट पेपर इसमें नहीं है, ओरिएंट पेपर पेपर ओरिएंट पेपर की बात करें तो ओरिएंट पेपर को जैसे कि मैंने ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ये ट्रेंड लाइन अपने आप नहीं बनती है भाई, ये बनानी पड़ती है, मैं स्टॉक देखता रहता हूँ। तो ओरिएंट पेपर के अंदर में लगभग एक करेक्शन मोमेंटम आपको लगभग लगभग 29.5 पे मिल सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट। बीपीसीएल, बीपीसीएल की अगर मैं बात करूँ तो बीपीसीएल को पर्सनली मैंने अपनी होल्डिंग में रखा हुआ है, ऑलमोस्ट मेरे को अच्छा खासा 20% का रिटर्न दे रहा था, एक स्पाइक की वजह से मुझे मुश्किल हुआ, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा टारगेट 500 है, आप इसमें अभी भी बैठे रह सकते हैं। सन फार्मा, जैसे मैंने अभी आपको बताया फार्मा सेक्टर की डिमांड तो है, बट डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा है फार्मा सेक्टर, अब कुछ ही स्टॉक के पास में वो डिमांड्स है, जैसे कि आप वो एवरग्रैंड के बाद में चीप नहीं रहा है, वो एक्सपेंसिव हो गया तो खरीद नहीं पा। सन फार्मा ने जिस तरीके से रिजेक्शन दिया, अगर यहाँ से बुलिश कैंडल देता तो यहाँ से मार्केट का अप ट्रेंड मिल सकता, राइट। अगला ट्रेड है मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी को लेकर काफी लोग ऐसे हैं कि सर ये ऊपर आएगा क्या, जैसे कि मैंने आपको बोला 78 का लेवल जब तक नहीं टूट रहा जब तक हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं, जब तक ये बॉक्स नहीं टूटेगा मारुति सुजुकी के लिए जब तक हम कुछ नहीं कर सकते, अगर ये नीचे टूटा तो हमारे को ये वाली ट्रेंड लाइन पे मार्केट मिलेगा, तो बी रेडी फॉर दैट। अगला है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, अगर आप देखोगे तो कॉन्जिकेटिवली 5 डे रैली डाउन साइड मोमेंटम, बिकॉज कंज्यूमर प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांगली डाउन साइड है, मेरे एक्सपेक्टेशन कम टू बी 760, बट 760 आने के लिए इसका रिजल्ट आना बाकी है, बट रिजल्ट अगर आप मैं देखूँ तो इसका रिजल्ट है भाई साहब, जैसे कि मैंने बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि गोदरेज कंज्यूमर में मैं शॉर्टिंग पे हूँ, तो 10 नवंबर का है तो 10 नवंबर के आसपास ही आएगा, कल मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस लेवल को 940 क्रॉस कर सकता है लगभग लगभग, मैं मान के चलूँ तो 2% और डाउन चलेगा गोदरेज कंज्यूमर, आई एम एक्सपेक्टिंग टूवर्ड्स अ गोदरेज कंज्यूमर फॉर दैट। अगला एचडीएफसी एएमसी ने अपना ट्रेंड लाइन तोड़ा और डाउन साइड की मोमेंटम क्रिएट कर दी है, इस शेयर को आप निकाल दीजिए जब तक इसके अर्निंग्स नहीं आ रहे, राइट। रिलायंस के भाई साहब, रिलायंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं बट मैंने अभी तक नहीं पढ़े, तो मैं आपको सिर्फ अभी के लिए सिर्फ इतना बताऊंगा, एक बहुत अच्छा रिजेक्शन है, अगर कल रिलायंस में एक रेड कैंडल आती है तो आपको कल कम से कम मार्केट इधर तक भी दिख सकता है 2500 पॉइंट्स भी डाउन आ सकता है रिलायंस, क्योंकि रिलायंस का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, जब भी रिजल्ट देखने को मिला है रिलायंस में डाउनफॉल, बट अब तो बोलते हैं ना कि सब कुछ उल्टा ही चल रहा है तो कह नहीं सकते रिजल्ट का क्या है, अब प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, इट्स डिपेंड। अभी अगर मैं देखूं तो इधर दिखा रहा है लॉस, सरप्राइजली 2.03% का लॉस, जो ट्रेडिंग व्यू का क्या बोलते हैं इसके अंदर में अर्निंग एंड रेवेन्यू बता रहा है, 22 को ही आ चुका है और लॉस में है, तो अगर इसकी बात करूं तो मेरे हिसाब से आई गोइंग टू राइट, हो सकता हूं कि मैं राइट हूं, तो मेरा निफ्टी 18,000 तक तो आ ही सकता है, रिलायंस गिरा तो सब कुछ बर्बाद कर देगा, राइट। अगला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जैसे मैंने आपको बोला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जब तक मेरे प्यारे भाई यहाँ तक 752.5 नहीं तोड़ेगा जब तक कुछ मोमेंटम नहीं हो सकता। रही बात टीसीएस की, भाई देखो टीसीएस में हम राइट थे, 3500 तक भाई हम आए, आराम से आए, हमारा मेरे को अगला टारगेट है मेरा 3400 आते मैं बुक कर लूंगा अपना प्रॉफिट जो भी रहेगा, बाकी मैं लॉस भी लेने के लिए रेडी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टी हो गया, मारुति हो गया, वोल्टाज, मेरे पास अगला शेयर है वोल्टाज का। वोल्टाज आप बिल्कुल देखे, जैसे मैंने आपको बोला था वोल्टाज में शॉर्ट करेंगे, बट थोड़ा सा ऊपर जाके एक अच्छी कैंडल बनी, शॉर्ट किया, वोल्टाज आपको 1120 पे मिल सकता है वापस, यहाँ से आप बाय करें। एशियन पेंट्स, भाई हर एक पेंट सेक्टर बहुत ज्यादा डाउन है, आई डोंट नो व्हाई, क्या हुआ है, उनके रिजल्ट्स भी उसी तरीके से आए, एशियन पेंट्स को मैं 1828 के आसपास आते हुए बाय करना चाहूंगा बट अभी नहीं, ठीक है। अगला शेयर एसबीआई का मेरा टारगेट 600 रुपीज का है भाई, ठीक है, 550 चल रहा है, 600 एलटी अगले हफ्ते के लिए, किसी ने पूछा है अगले हफ्ते के लिए एलटी क्या रहेगा, एलटी का अगले हफ्ते का मैं अभी देखो ये बोलूंगा, अगर इसका ये लो या ये हाई टूटता है, अगर इसके अंदर रहा तो कोई फायदा नहीं, अगर इन दोनों में से कुछ भी मोमेंटम मिलेगी तो आप लेके चल सकते हैं भाई, ठीक है। अगला शेयर है मैंने कोटक बैंक, ओके कोटक बैंक बता दिया मैंने, गोदरेज कंज्यूमर बता दिया, आईएक्स ने अभी भी हाल ही में बोनस दिया,
अब बोनस दिया तो बोनस देने के बाद में पहली बात तो बोनस के चक्कर में वो अपना गैप पेंडिंग फिल करेगा, तो डाउनसाइड आने के मोमेंटम है भाई। ठीक है, अगला शेयर है गेम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट जब तक इस सपोर्ट को होल्ड करके रख रहा है और जब तक हाई को नहीं तोड़ रहा है, जब तक आप कोई पोजिशन ना बने, राइट। एनएमडीसी, एनएमडीसी की अगर बात करें, अगर मैं एनएमडीसी की बात करूँ तो एनएमडीसी में भाई साहब यहाँ से वापस एक डबल बॉटम करके उठ सकता है, थोड़ा वॉच कीजिए। ठीक है, एक्साइड, अगर मैं एक्साइड की इंडस्ट्री की बात करूँ तो एक्साइड इंडस्ट्री जब तक सपोर्ट होल्ड कर रहा है, जब तक आप होल्ड करेंगे, राइट। अगला एस सी आई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर मैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करूँ, माई टारगेट, सॉरी दिस इज अनदर शिपिंग कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का टारगेट 243 या 223 के अराउंड ऑफ मिल सकता है, 20 पॉइंट के आसपास। एक थोड़ा लॉन्ग टर्म है, धानी सर्विसेज। अगर मैं धानी सर्विसेज की बात करूँ, माई टारगेट इज ऑलरेडी डन इन द धानी सर्विसेज, 220 इज माई रेसिस्टेंस एरिया, बट अगर 220 तोड़ता है तो ये कम से कम 360 भी जा सकता है, यू कैन होल्ड दैट। ओके, इंडिया हम पाइप्स, राइट। इंडिया हम पाइप्स की अगर बात करें तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम आपको फेट मिला है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिला है, यू कैन गो फॉरवर्ड टू द लॉन्ग आफ्टर 210। बट अगर ले रखा है, जैसे मैंने ले रखा है, तो मैं अपनी पोजिशन 250 आराम से रख सकता हूँ। तो ये मेरे सारे शेयर्स थे जो आपको मेरे को बताने थे। काफ़ी लोगों ने बोला कि सर प्लीज़ बता दो, मैंने बहुत जल्दी फास्ट करने की कोशिश किया, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं करना है। और विद अ हैप्पी फेस वी आर गोइंग टू लीव नाउ। ठीक है, कल सुबह मिलेंगे, राइट। मैं इस हफ्ते कोई भी एजुकेशन वीडियो नहीं डाल पाया बिकॉज ऑफ मैं थोड़ा वो था, क्या बोल सकते हैं, क्या मैं नाम भूल गया, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं नहीं कर पाया, राइट। तो गाइज अपना ध्यान रखें, अपने मॉम डैड का ख्याल रखें, राइट। और आज है इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो रिजल्ट सुबह तक आ ही जाएगा, कौन जीतेगा कौन नहीं, बाकी उसकी चर्चा भी हम कल कर लेंगे। जय हिंद भाई, जय भारत, हमारा इंडिया जीतेगा जैसे कि हमेशा जीतता आया है, राइट। तो एंजॉय करो, ये है हम शादी ट्रेडर, ठीक ट्रेडर की निशानी, राइट। ठीक है, इसे दांत नहीं बनाएंगे। चलो गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, टाटा गाइस, टेक केयर।